दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही एक ऊपर वाले का जो करिश्मा है वो आज दिल्ली में देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले दिल्ली का वो वाक्या कौन नहीं जानता। मस्जिद के मीनार पे देखा गया वो सबसे पहला शख्स, जिसके साथ उसका और एक साथी भी था, जो कि उस शख्स के साथ मस्जिद के मीनार पे सबसे पहले देखा गया था। आज उसके दोस्त के साथ भी उसकी भी हालत कुछ इस तरह हो गई है जिसे आप देखकर कतई नहीं पहचान सकते। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको इस खबर के बारे में आगे बताएं, अगर आप नेकी और स्वाब हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और साथ ही दिया गया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करके इसे ऑल कर दे। और अगर आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आप एक बहुत ही बड़ा और नेक का काम जो है इसे करके कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के नाम सुबहान अल्लाह कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों मस्जिद जो है वो अल्लाह ताला का घर है और अल्लाह ताला के मर्जी के बिना अल्लाह ताला के घर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह का सोच रखता भी है तो उसे कुछ इस तरह का अंजाम जो है वो देखने को मिलता है। दोस्तों ये वही शख्स है जिसे मस्जिद के मीनार पे उसके दोस्त के साथ देखा गया था और आज इसकी हालत भी कुछ इस तरह हो गई है जो कि इसके दोस्त की है। दोस्तों इसके घर वालों ने इसे बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक कि बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेके जाके दिखाया गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है इसे ठीक नहीं कर पाए। आखिर में इसके परिवार वालों ने और इस शख्स ने ये सोचा कि ये उसकी उसी गलती की वजह से ही उसे आज ये दिन जो है वो देखने को मिल रहा है, और उसने अपनी गलती जो है वो कबूल कर ली और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और इस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों अल्लाह ताला जो है वही इस दुनिया के मालिक है और वही इस दुनिया के मालिक रहेंगे भी। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, हमारे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि अल्लाह ताला को नहीं मानते और वो अल्लाह ताला के इस करिश्मे को नहीं मानेंगे भी। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अगर अल्लाह ताला को नहीं मानते या फिर उनके करिश्मे पर अगर आप विश्वास नहीं करते तो प्लीज़ गलत कमेंट्स जो है वो ना करें।